हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले इसका पेपर पैटर्न देखेंगे, उसके बाद इस एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, मतलब कौन से क्वेश्चन में कौन सा यूनिट का चैप्टर आने वाला है, कहाँ पर थियरी है, कहाँ पर प्रैक्टिकल है, कितने मार्क का आने वाला क्वेश्चन और कौन से दो क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने चाहिए, उसको लेकर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बस, जैसा आप जानते हैं आपका पेपर 50 मार्क का होने वाला 2 आवर के टाइमिंग के साथ, और ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये हमारा मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल ही होता है। तो यहाँ पर जो हमें चैप्टर दिए गए वो कौन से क्वेश्चन में आएंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पहले सेक्शन के अंदर 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और चारों के चारों जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो 20 मार्क के अकॉर्डिंग आपको बनाए जाएंगे, जिससे क्या होगा इस 4 में से आपको 4 अटेम्प्ट नहीं करने, इस 4 में से ओनली आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे कोई भी 2, जिससे आपके 40 मार्क क्या हो जाएंगे कंप्लीट हो जाएंगे। और जब लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 बनाया जाएगा सेक्शन नंबर 2 के अंदर, वो 10 मार्क का बनाया जाएगा, उस 10 मार्क को जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपका 50 मार्क कवर हो जाएंगे। अब बात आती है ऊपर के 4 क्वेश्चन में कहां पर थियरी, कहां पर प्रैक्टिकल है, कौन सा चैप्टर है वो देख लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन 1 है, जिसमें यूनिट नंबर 1 का जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपका आने वाला है, जिसका नाम आप जानते ही हैं भाई, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश है, रोकड़नी हफ्ते हफ्ते वेचवनी है, ठीक है। अब यहां पर यही एक लौता चैप्टर है, तो आपको कंप्लीट इस चैप्टर में से क्वेश्चन 1 देखने को मिलेगा। अब ये जो क्वेश्चन रहेगा वो कैसा रहने वाला है, वो गारंटीड आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, वो डायरेक्ट 20 मार्क में ही आएगा, मतलब जो पहले 14 का हुआ करता है वो डायरेक्ट 20 में ही आएगा। बट हाँ, इसके और में इसी का चैप्टर का कोई दूसरा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन है चारों के चारों एक दूसरे के क्या है ऑप्शन में, इसके लिए उस चैप्टर के और में उस चैप्टर का दूसरा सवाल देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर ये आप रेडी कर रहे हो तो इसमें आने वाली सारी मेथड रेडी करनी है, जैसे इसमें 2 मेथड आती है आप जानते होंगे, तो दोनों के 2 रेडी करना है, कौन सी एग्जाम में आएगी वो नहीं कह सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ, क्वेश्चन 2 पे आते हैं। यहाँ पर आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। जो पहला जो चैप्टर है, मतलब चैप्टर नंबर 2 जो है वो शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, जहां पर फॉरफिटेड का टॉपिक होता है शेयर मुड़ीदा व्यवहार, और वहीं पर एक और चैप्टर इसी के अंदर इन्वॉल्व किया गया है, वो है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, नोंदनी पहलानो नफो, ठीक है, कंप्लीट नाम लिख रहा हूं। ये 2 चैप्टर इन्वॉल्व है यूनिट नंबर 2 के अंदर, जिसमें से हमको क्वेश्चन 2 देखने को मिलेगा। अब यहां हमें नहीं पता कि भाई इन दोनों में से कोई एक देखने को मिलेगा कि दोनों के 2 होने को मिलेगा, कितने मार्क मिलेगा, बट मैं इसके लिए ओपिनियन देना चाहूंगा अपना, कि आपको जो भी आएगा इन दोनों में से कोई एक चैप्टर आएगा, कोई एक क्वेश्चन दोनों में से आएगा, किसी एक चैप्टर का ही सवाल आएगा, दोनों के देखने को नहीं मिलेंगे, और वो भी डायरेक्ट 20 में ही आएगा, 10 मार्क का नहीं किया जाएगा, कि 10-10 करके अलग नहीं कर सकता है। सेम मूडी का सेम कैपिटल का आएगा तो डायरेक्ट 20 का आएगा, अगर इसका भी आएगा चैप्टर का तो भी डायरेक्ट 20 का आएगा, मतलब दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। अगर रेडी करना है तो दोनों रेडी करना है, ऐसा नहीं कि कोई एक का लोगे तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 3 पे आते हैं, जहां पर यूनिट नंबर 3 देखने को आपको मिलेगा, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 4 देखने को मिलेगा, जिस चैप्टर का नाम बिजनेस परचेस है, ठीक है, या परचेस ऑफ बिजनेस, जो भी नाम है आप समझ गए होंगे, परचेस बिजनेस, ठीक है, धंधा नहीं खरीदी। ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है, और जिसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो डायरेक्ट 20 का ही देखने को मिलेगा, परचेस ऑफ बिजनेस, धंधा नहीं खरीदेगा, एक क्वेश्चन आएगा उसके और में दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, और डायरेक्ट 20 में से ही आएगा, और इसके अंदर भी आने वाले सारे टाइप के क्वेश्चन आपको रेडी करने पड़ेंगे, ठीक है, और मोस्ट ऑफ एक जैसे क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, आप चेक करोगे आपको पता चलेगा। लास्ट में आपको बताऊंगा कौन से 2 यूनिट आपको रेडी करने चाहिए, मतलब थियरी अभी तक आपको कहीं देखने को मिलेगी नहीं। अब क्वेश्चन 4 की बात करता हूं, जहां पर अगला चैप्टर नंबर 5 आने वाला है, जो फाइनल अकाउंट है, ठीक है, जो कंपनी का फाइनल अकाउंट है, कंपनी का वार्षिक हिसाब हो, ये चैप्टर आपको देखने को मिला क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, जिसमें भी एक क्वेश्चन ही होगा, ऐसा नहीं कि इसके 2 क्वेश्चन कर दिए जाएंगे, ऐसा होने के चांसेस इस सिलेबस में नहीं है, इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा देखने को ना मिले, और डायरेक्ट ये भी 20 मार्क का एक क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाएगा, क्योंकि 2 ओवर का टाइमिंग है, जब आप 20 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो आई थिंक 30 से लेकर 40 मिनट तो आपका टाइम लग ही जाता है। इसलिए अब यहां पर 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, मतलब 4 में से कहीं भी थियरी आपको देखने के चांसेस मेरे हिसाब से 99% तो नहीं है, फर्स्ट में भी नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं भी थियरी आने के चांसेस नहीं है। जब 70 मार्क का हुआ करता था तो आपको ऑप्शन में छोटी थियरी देखने को मिलती थी, 7 मार्क की देखने को मिलती थी, लेकिन यहां पर जब 20 मार्क में आ रहा तो आई थिंक नहीं होगा,
मेरा ओपिनियन है कि थियरी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, 4000 प्रैक्टिकल सम्स देखने को मिलेंगे। अब इसमें से कौन से दो अटेम्प्ट करने चाहिए वो मैं अभी डिस्कस करके बताता हूं। पहले क्वेश्चन 5 हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 जैसे आप जानते भी हमारा 10 मार्क का होने वाला, तो इसमें क्या आने वाला है, तो चारों के चार यूनिट के टॉपिक इसमें आएंगे जो 99% एमसीक्यू बेस से ही पूछे जाएंगे, एमसीक्यू वाइज ही बना के पूछे जाएंगे, जिसमें छोटे मोटे प्रैक्टिकल भी बना के पूछे जा सकते हैं। अगर आप लेटेस्ट 3 पेपर कर लोगे एमसीक्यू तो आपको पता चल जाएगा भी किस किस टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं, था तो बुक के अंदर वाला एमसीक्यू भी आप पढ़ के जा सकते हो। अब ये जो रहेंगे आपको 5 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने रहेंगे, कितने अटेम्प्ट करने रहेंगे 5, जो मोस्ट ऑफ 2 मार्क के एक एमसीक्यू आने वाला है। पर आपको 5 नहीं दिए होंगे, ज्यादा दिए होंगे, आई थिंक 10 के अराउंड 10 से ज्यादा एमसीक्यू दिए गए होंगे जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे और जो 2 मार्क का बन जाएगा। पर रीड कीजिएगा अच्छे से, कहीं 1 मार्क का भी हो सकने के चांसेस बाय चांस है। ये हो गया सेक्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ सारे डिस्कशन मैंने कर दिया कहाँ पर कौन से क्वेश्चन आएंगे किस तरह के आएंगे। अब हम लोग आते हैं भाई कौन से 2 क्वेश्चन हमको रेडी करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, वो मैं थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि जो अब स्टडी कर रहे हैं तो सारे तो चैप्टर कर नहीं पाएंगे, और सारे मैं बोल रहा करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि 50 मार्क का पेपर है, 2 ओवर का टाइमिंग है, जहां पर आपको 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो 4 पढ़ के करोगे भी क्या, तो एक तो ऐसा कंफर्म है जो आपको करना नहीं चाहिए। तो मेरा ओपिनियन बता रहा हूं, जो नहीं करना चाहिए वो मैं बोल रहा हूं, आई थिंक मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन 4 आपको ना करो तो चलेगा ही, फाइनल अकाउंट जो कंपनी का है कंपनी ने वास्तव वो नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन जिनको आता है ऐसा नहीं कि उनको बोल रहा हूं कि नहीं करो, आता है तो कर लो, लेकिन जो पहली बार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भाई ये मत करो अभी, टाइम वेस्ट होगा। अब बाकी बचे 3, तो इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो करना ही चाहिए, मेरा ओपिनियन में बता दो, क्वेश्चन नंबर 1 आपको डेफिनेटली मेरी फर्स्ट चॉइस करनी ही चाहिए, मतलब जो चैप्टर का नाम है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश रोकड़नी हफ्ते विचरणी, ये हर एक स्टूडेंट को करना ही चाहिए। 20 मार्क का नॉर्मली सम्स आने वाले जिसमें 2 मेथड है, सरप्लस कैपिटल वधारानी मूड़ी और मैक्सिमम लॉस, जिसमें सरप्लस के आने के 99% चांस है, पर दोनों देख के जाना है, जब 20 में कर रहे हो टाइम दे रहे हो चैप्टर को और टाइम बच रहा है दूसरा नहीं पढ़ना है तो पूरा करना है, दोनों मेथड के जितने हो सके सम्स आपको रेडी करने, और मैंने सम्स अपलोड किया प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट किएंगे, मतलब ये वाला टॉपिक आपको करना ही है और ये आपको नहीं करना है। अब ये 2 बचे, इन 2 में से कोई एक और तैयार करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं कहना चाहूं तो आपको भाई यहां पर ये इजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस परचेस वाला जो टॉपिक है धंधा नहीं खरीदी, मोस्ट ऑफ सब में एक जैसे टॉपिक पूछे गए, बेसिक स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना रहता है, आई थिंक ये हो जाएगा, लेकिन जिनको ये हार्ड लगता है तो ये रेडी करके जा भी सकता है, जिसमें से अगर ये 3rd वाला चैप्टर पूछा गया तो बहुत ईजी है, ठीक है, नॉर्मल ये वाला चैप्टर आपने 12th में देखा भी होगा, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन दोनों में से यही कीजिए, इन दोनों में से जो चॉइस आप कर सकते हैं, एक चॉइस मेरा फिक्स है ये आपको करना है और ये आपको नहीं करना है, और 3 रेडी कर सकते हो तो बेस्ट है, 3 आपको आते 3 रेडी करके जा सकते हो, तो इस तरह से आप पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, इसके बाद भी क्वेरी रहती है मुझे कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे और सारे स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम के लिए, विश यू ऑल द बेस्ट।